हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोजेनेसिस के बारे में प्लांट मॉर्फोजेनेसिस एक कंप्लीट यूनिट है एक कंप्लीट पेपर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ प्लांट मॉर्फोजेनेसिस और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस यहाँ पर देखते हैं मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है एक्चुअल में मॉर्फोजेनेसिस को अगर आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ शेप मतलब जब डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म शेप एक्वायर कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मॉर्फोजेनेसिस और ये uh, ये जो टर्म है मॉर्फोजेनेसिस टर्म इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स किन टर्म से मिलके बना है मॉर्फी जिसका मतलब होता है शेप और जेनेसिस जिसका मतलब होता है क्रिएशन ठीक है और इसमें क्या चीज़ आती है मॉर्फोजेनेसिस क्या प्रोसेस है इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म करने में मतलब जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल मतलब एक सेल से स्टार्ट होता है ना कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन उस सेल से लेके जब तक कि कंप्लीट इंडिविजुअल बन नहीं जाता जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उस प्रोसेस में वो सारी मोफोजेनेसिस में आती हैं बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी सेल का मोफोजेनेटिक पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं मतलब क्या है कि अगर एक सेल है ठीक है एक सेल है उसमें मोफोजेनेसिस होगा आगे जाके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनेंगी तो वो जो सेल का मोफोजेनेसिस होगा उसका एक मोफोजेनेटिक पोटेंशियल होता है हर एक सेल का अपना तो वो मोफोजेनेटिक पोटेंशियल जो होता है बहुत सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है ठीक है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सेल के मोफोजेनेटिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं ठीक है अब जब हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं और उन फैक्टर्स का स्टडी करते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है ऑन द रीजेनरेशन ऑफ सेल तो वो चीज़ें आती हैं किसके अंदर आती हैं मोफोजेनेसिस के अंदर आती हैं ठीक है. है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था मोफोजेनेसिस का डेफिनेशन आप क्या और याद कर सकते हो एक तो यही था कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ शेप और वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है दूसरी चीज आप ये याद कर सकते हो कि इट इज आल्सो टर्म्ड एज डेवलपमेंटल मोरफोलॉजी डेवलपमेंटल मोरफोलॉजी मतलब एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं मतलब की जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गेनाइज होता है तो आपको पता है कि वो तो बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस से ही बना होगा ना एक सेल से बनता है कंप्लीट ऑर्गेन तो जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्लांट बनता है तो क्या होता है बहुत 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 सारे बहुत सारे सारे उसमें एक्टिविटीज, प्रोसेस होते हैं, तो वो सारे प्रोसेस जो होते हैं मोर्फोजेनेटिक प्रोसेस होते हैं और डेवलपमेंटल मोर्फोलॉजी भी उसको बोलते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं है ना तो इसलिए हम इसको डेवलपमेंटल मार्फोलॉजी भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये कह सकते हो क्या है ये बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो ये है कि सिंपल वर्ड्स में कि मेंसिस क्या है डेवलपमेंटल पाथवे डेवलपमेंटल पाथवे है जो मतलब डेवलपमेंट किस चीज के डेवलपमेंट में यूज हो रहे हैं ये इन दिफ्रेंसिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू इज फॉर्म अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मतलब एक रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू फॉर्म होता है जब developmental pathway से तो उस developmental pathway को morphogenesis कहते हैं मतलब एक एक था था वो सिर्फ एक cell था, उसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ हुआ उस हुआ उसके बाद उसमें differentiation हुआ, तो वो उससे फिर एक क्या हुआ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस था इसको हमने बोला मोफोजेनेसिस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोर्फोजेनिस जेनेटिक पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं देखो फिजिकल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं लाइट टेम्परेचर और पीएच। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ये आते हैं हमारे फिजिकल फैक्टर्स में उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की ग्रोथ हार्मोन्स में ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिब्रेलेंस इथाइलिन एपसीसिक एसिड ये सारे होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स और ये भी हर एक सेल के मोफोजेनेटिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं कि सेल के अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो इनसे भी इफेक्ट होते हैं ठीक है उसके बाद आता है हमारे केमिकल फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स में जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो हो गया है ना ऑक्सीजन कंटेंट क्या है कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस एनवायरनमेंट में उस कल्चर में जहां पर हम एक एक सेल से हम ग्रो करा रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को ठीक है उसके बाद वाटर भी उसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें और कल्चरल ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए आपने उसको कल्चर कराया है एक एक्स प्लांट को ताकि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बने तो उस कल्चर की ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है उसका मॉर्फोजेनेटिक पोटेंशियल एंड मैकेनिकल स्ट्रेन प्रेशर मीन्स और सारी कंडीशन जैसी भी आपने दी हैं उस कल्चर में तो ये फैक्टर्स थे जो कि हमारे मॉर्फोजेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल को इफेक्ट करते हैं ठीक है पोटेंसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये जो ब्लैक कलर से मैंने और अंडरलाइन करके जो दी है ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंसी ये डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं सॉरी यहाँ तक पोटेंसी क्या होती है एक सिंगल सेल है ठीक है वो एक सिंगल सेल डिवाइड करेगा डिफ्रेंशिएट करेगा अदर सेल टाइप्स बनाएगा उसको हमने बोला टोटिपोटेंसी दिस इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल फॉर डिफरेंट टू डिफरेंशिएट इन टू मैनील टाइप मतलब अलग टाइप्स के सेल बनाने में है ना ये टर्म पोटेंसी किसने दिया था मॉर्गन ने सी जैसे अभी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से इसमें कि जब हम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी हम कल्चर कराते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्स प्लांट लेते हैं उस एक्स प्लांट से कंप्लीट ऑर्गैनिज्म को हम डेवलप कराते हैं तो वो जो एक्स हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं मेच्योर टिश्यू से लेते हैं मेच्योर टिश्यू मेच्योर प्लांट का ही तो एक सेल एक पार्ट लेते हैं वो मेच्योर टिश्यू क्या होता है ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होता है मतलब ऑलरेडी स्पेशलाइज होता है वो ठीक है वो हम लेते हैं जब हम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लांट में जो सेल्स थे वो क्या थे एक्सप्लांट के जो हमारे सेल्स थे वो नॉन डिवाइडिंग थे क्यों क्योंकि वो मेच्योर टिश्यू थे ऑलरेडी स्पेशलाइज थे तो वो नॉन डिवाइडिंग थे तो ऐसे मेच्योर सेल्स को जिसको फिर हम अब हम उसको कल्चर करा रहे हैं ऐसे मेच्योर सेल को क्योंकि हमने उसको एज अ एक्सप्लांट लिया है हमें तो उससे सेल्स डिफरेंशिएट कराने हैं और 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 ऑर्गन्स बनवाने हैं तो हम क्या करेंगे उनमें चार सेल्स को डिवाइडिंग स्टेट पे लेकर जाएंगे तो ये प्रोसेस जो होता है जहाँ पे हमने एक एक्सप्लांट लिया फिर उसने डिवाइडिंग स्टेट में आया इस प्रोसेस को हमने बोला डी डीडिफ्रेंशिएशन क्या बोला हमने डी डिफ्रेंशिएशन बोला अब ये जो डी डिफ्रेंशिएशन सेल्स होते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ठीक है आपने एक एक्सप्लांट एक लिया उसमें सेल्स डिवाइड किए डिफ्रेंशिएट किए नए सेल्स बन गए इस प्रोसेस को हमने डी डिफ्रेंशिएशन बोला और जो हम अपर डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनकर आए अब उनके पास क्या है एबिलिटी है कि वो होल प्लांट मतलब एक कंप्लीट प्लांट ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं ऐसा ही तो होता है टोटी पोटेंसी क्या है यही तो एबिलिटी है कि प्लांट ने एक एक्स कि हमने सिर्फ एक एक्सप्लांट को कल्चर कराया और उसने एक कंप्लीट प्लांट ऑर्गन फॉर्म

होना ही होना है मतलब एक एक्स प्लांट से कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन होना ही होना है ठीक है ये एक पोटेंसी का कॉन्सेप्ट था जिसको आप समझ सकते हैं और यही मैटर काफ़ी है अगर आप अपने एग्जाम के लिए भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पोटेंसी के लिए ये डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए टर्म किसने दिया था मॉर्गन ने दिया था 1901 में उसके बाद आपको ये डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डायग्राम आप देख सकते हैं अगर बुक में कुछ हुआ तो कोई वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर नीडेड है अगर यहाँ पर एग्ज़ाम डायग्राम कंपल्सरी होता कि आपको चाहिए ही चाहिए तो मैं इसी में प्रोवाइड कराती है आपको और डायग्राम मैं आपको साथ के साथ देते रहूंगी नोट्स के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन का एक प्रोसेस हम देख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं डिफ्रेंशिएशन मतलब है नाम से देखो पता चला डेवलपमेंटल चेंजेस डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द सेल ठीक है मतलब एक सेल है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हमने बोला कौन से चेंजेस हो रहे हैं जो चेंजेस लेकर जाएंगे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस की तरफ जैसे कि आपका एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक एम्ब्रियो होता है ठीक है वो एम्ब्रियो से क्या होता है सेल्स डिवाइड करते हैं फिर उसके कुछ सेल्स जो हैं वो जाके वॉस्कुलर टिश्यूज़ के फॉर्मेशन करते हैं कुछ सेल्स जाके रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं कुछ सेल्स जाके लीव्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं कुछ सेल्स जाके किसी और चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना तभी तो उन्होंने एक स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर्म किया क्यों क्योंकि उनका एक ऑर्गन जो फंक्शन था उन सेल्स का वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन था लेकिन पहले तो एक्सप्लांट ही था एक ही सेल आपके पास पहले तो ऐसा कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं थे तो वो जो सेल था एक्सप्लांट था, उसमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस हुए जिसकी वजह से स्पेशलाइज फंक्शंस डिफरेंट सेल्स में स्पेशलाइज फंक्शंस डेवलप हो गए इसी को बोला गया डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल जब स्पेशलाइज्ड हो जाए फंक्शंस डिफरेंट फंक्शन करने के लिए है ना प्लांट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक लाइन आप ये याद कर लीजिए कि डी डिफ्रेंसीशन जो होता है प्लांट्स के केस में रिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल होता है इन द केस ऑफ प्लांट्स जो डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है कि जो डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है ये इर होता है मतलब इ प्रोसेस है ये वापस नहीं हो सकता और जो टर्म डिफ्रेंशिएशन है क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि डिफरेंट सेल टाइप डेवलप होंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर देखो टर्म डिफ्रेंशिएशन क्या डिस्क्राइब uh, कर रहा है ये डिस्क्राइब कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स डेवलप होंगे साथ ही साथ और क्या डेवलप होगा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जैसे कि रूट शूट और बर्ड्स ठीक है एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं फ्रॉम द कल्चर्ड सेल जैसे आप सेल को कल्चर कराते हो तो उसके बाद क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं तो वो क्या प्रोसेस है डिफरेंशिएशन ही है कि डिफरेंट सेल टाइप बने डिफरेंट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स बने तो ये डिफरेंशिएशन के लिए था ये रिटर्न में भी अगर आपको मैटर चाहिए तो इतना मैटर काफ़ी है आपके लिए नोट्स के लिए भी डिफरेंशिएशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा शॉर्ट नोट्स में और वन या टू मार्क्स में जो भी होगा बाकी बेसिकली तो आपको कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए तो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और कंप्लीट प्लांट मॉर्फोजेनेसिस में जितने टॉपिक्स आएंगे उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो ओके थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास